नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयर पर्सन बनी जया सिन्हा। बोर्ड के 166 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को चेयरमैन और सीईओ बनाया गया है। रेलवे बोर्ड की पहली चेयर पर्सन जया वर्मा सिन्हा ने शुक्रवार को पदभार संभाल लिया। उन्होंने अनिल कुमार लोहाटी की जगह ली है। रेलवे बोर्ड के 166 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी महिला को बोर्ड का चेयर पर्सन और सीईओ नियुक्त किया गया है। सिन्हा सबसे पहले रेलवे बोर्ड में ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट की सदस्य रह चुकी है। लाहौटी का कार्यकाल पूरा होने के बाद उनकी जगह नया चेयरमैन बनाने के लिए रेलवे ने 4 लोगों का एक पैनल बनाया था। इसी पैनल ने जया वर्मा को नया चेयरमैन बनाने पर सहमति दी है। जया 31 अगस्त 2024 तक पद पर रहेगी। ओडिशा के कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे के समय जया ने सरकार को घटना की पूरी जानकारी दी थी। उन्होंने पीएमओ में इस घटना का पावर प्रेजेंटेशन भी दिया था। इस हादसे के दौरान जया वर्मा के काम की बहुत तारीफ की गई थी। जया वर्मा ने अपनी पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की है। उन्होंने 1988 में इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में ज्वाइनिंग की। जया फिलहाल रेलवे बोर्ड में मेंबर ऑपरेशंस और बिजनेस डेवलपमेंट के पद पर काम कर रही थी। इसके अलावा जया दक्षिण पूर्व रेलवे में चीफ कमर्शियल मैनेजर, पूर्व रेलवे में डिविजनल रेलवे मैनेजर और उत्तर रेलवे में भी काम कर चुकी है। जया ढाका ने इंडियन हाई कमीशन के 4 साल तक सलाहकार के तौर पर भी काम करे हैं। कोलकाता से ढाका पर चलने वाली मैत्री एक्सप्रेस की शुरुआत जया के कार्यकाल में ही शुरू हुई थी। जया ऐसे समय में इस पद को संभालेगी जब केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे का रिकॉर्ड बजट दिया है। केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे को 2023 से लेकर 2024 में 2.74 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बजट दिया है। यह अब तक का रेलवे को दिया गया सबसे ज्यादा बजट है। आइए नजर डालते हैं एक और खबर पर। तरन तारन में ड्रोन से फेंकी हीरोइन जब्त। पाक तस्करों की 3 दिन में तीसरी कोशिश। थैली पर लगा रखे थे ब्लिंकर। बीएसएफ पर पंजाब पुलिस ने जॉइंट सर्च के दौरान पाक तस्करों की एक और कोशिश को नाकाम कर दिया है। वहीं 3 दिनों में यह तीसरी सफलता है जब जॉइंट ऑपरेशन के दौरान हीरोइन की खेप जब्त की गई है। यह सफलता तरन तारन के सरहदी गांव मेहदीपुर में मिली है। खास बात यह है कि इस खेप में को भी तस्करों ने ड्रोन की मदद से फेंका है। बीएसएफ के अनुसार तरन तारन के सरहदी गाँव में रात के समय ड्रोन के आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पंजाब पुलिस के साथ मिलकर सरहदी इलाके में सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान गांव मेहदीपुर के खेतों में एक थैली मिली, जिसे जब्त कर लिया गया है। जब थैली को खोला गया तो इसमें 3 पैकेट हीरोइन के बरामद किए गए हैं, जिसे जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा जा रहा है। इस खेप को भी ड्रोन की मदद से ही फेंका गया। सफ़ेद रंग की कपड़े की पोटली पर एक लोहे का रिंग लगा हुआ था ताकि ड्रोन से इसे बांधा जा सके। वहीं इस खेप के साथ 2 ब्लिंकर लगाए गए थे। यह हाइपर सेंसिटिव ब्लिंकर होते हैं ताकि नीचे गिरते ही ब्लिंक करे और तस्कर को खेप का पता चल सके। लेकिन तस्कर के हाथ में खेप आने से पहले ही बीएसएफ व पंजाब पुलिस ने इसे जब्त कर लिया है। वहीं खेप का कुल वजन तकरीबन 2.75 किलो आका गया है। पिछले 3 दिनों में बीएसएफ व पंजाब पुलिस को यह तीसरी सफलता मिली है। 30 अगस्त की रात को गुरदासपुर में फेसिंग के आगे इलेक्ट्रिक बैटरी में तकरीबन 6 किलो हीरोइन को छुपा कर रखा गया था। वहीं 31 अगस्त को अमृतसर के सरहदी गांव के ड्रोन से फेंकी गई 2.5 किलो हीरोइन को जब्त कर लिया गया है। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। राम राज्य चाहिए तो राम सीता बनना होगा। रायपुर में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, सबसे बढ़िया राज्य के सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री। सीएम बोले, कोई अपना घर आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अगर आप राम राज्य का सपना देख रहे हैं तो आपको राम और सीता बनना होगा। देश को विश्व गुरु बनाने के लिए उसी दिशा में काम करना होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा देश नित ऊंचाइयों को छू रहा है, चाहे चांद पर तिरंगा लहराना हो या फिर विश्व स्तर पर
खेल कूद में नया अध्ययन लिखना हो। वहीं उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षाओं के स्टूडेंट्स को खुदकुशी करने के मामलों को लेकर भी चिंता जताई है। राष्ट्रपति अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर गुरुवार को रायपुर पहुंची थी। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से शांति सरोवर आश्रम में हो रहे कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने की एक अत्यंत गंभीर विषय है कि कुछ दिन पहले ही नीट की तैयारी करने वाले 2 विद्यार्थी ने अपने जीवन और अपने सपनों का भविष्य का अंत कर दिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई कर रहे इन बच्चों ने पिछले दिनों आत्महत्या की है। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा एक सकारात्मक भाव है जिससे जीवन संवरता है। हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी बेटी इतिश्री के साथ भगवान जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर पूजन और आरती भी की। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। उनका यह पहला मौका है जब राष्ट्रपति अपनी बेटी के साथ किसी यूनिवर्सिटी और धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आई है। राष्ट्रपति की बेटी इतिश्री पेशे से बैंकर है। अपने पिता श्यामचरण मुर्मू और 2 भाइयों को खोने के बाद बेहद कठिन समय में मां द्रौपदी मुर्मू का सहारा बनी थी। इतिश्री के पति गणेश चंद्र हेब्रम रग्बी खिलाड़ी हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV अब डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS News।